वाइस पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा इनामी आज वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में दिए गए निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मथुरा चित्रकारी एवं प्रभारी निरीक्षक गोवर्धन के नेतृत्व में अभियान के दौरान मकान अभियुक्त गांव दौलतपुर से मुखबिर खास की सूचना पर इरफान पुत्र नर्मल निवासी दौलतपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना गोवर्धन के साथ साथ जनपद एवं आगरा में भी मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्त के पास से पेटीएम माइक्रो एटीएम मशीन, भारतीय स्वैप मशीन, फिना पेमेंट, कई बुकों की चेक बुक के साथ 1,35,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का कार्य करने का तरीका, अभियुक्त इरफान द्वारा वर्ष 2019 में बीएससी मैथ से पूर्ण करने के साथ स्वरोजगार हेतु गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत जन सेवा केंद्र ली, जिसके अंतर्गत अभियुक्त इरफान अपने गांव एवं आसपास के गांव के लोगों के आय जाति निवास सुकन्या योजना आदि के प्रमाण पत्र बनाने लगा एवं जन सेवा केंद्र के माध्यम से ईएफपीएस आधार कार्ड अनवेवर पेमेंट सिस्टम फिंगरप्रिंट्स के पैसे निकलवाकर बैंक सेवा उपलब्ध कराता था। अभियुक्त के गांव एवं आसपास के काफी लोग टकलूबाजी के धंधे में लिप्त थे, जो भिन्न भिन्न तरीके से अपराध साइबर जैसे पहचान बनाना, फेसबुक प्रोफाइल को कॉपी या हैक करके उनके फ्रेंडों से पैसे मंगाना, फर्जी विज्ञापन देकर पैसे मांगना आदि तरीके से ऑनलाइन ठगी करता था एवं लाखों रुपए कमाते हैं। ऑनलाइन करने की ठगी के पैसों की सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए उन्हें बैंकों का लाभ उठाते हुए निर्माण द्वारा साइबर ठगों को सेफ बैंकिंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से HDFC बैंक में फिनो बैंक से बिजनेस करंट संपर्डिट्स सुविधाएं इलिंग इन शब्दों का प्रयोग करके उपयुक्त दोनों बैंकों से माइक्रो एटीएम की कई खाता खोलने जैसे पैसे निकालने की सुविधा प्राप्त कर चुका था। फिर भी अभियुक्त द्वारा कामई करने के उद्देश्य साइबर अपराधियों को बैंकिंग की सुविधा देना चालू कर दिया एवं लोगों देश विदेश के लोगों से ठगी कर खातों में पैसे डाल दे आवाज से सुरक्षित तरीके से निकाल कर देने के बदले 10-20% तक कमीशन लेता था। अभियुक्त के स्वयं एवं परिजनों के खाते ट्रांजैक्शन के चेक करने पर हाथों से लगभग 4 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। पुलिस के द्वारा साइबर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा पहले दर्ज किया गया था, जिसमें कि एक नामजद अपराधी था इरफान, जो कि दौलतपुर गाँव का रहने वाला था, जिसपे की 15,000 रुपए का इनाम था। इसको आज गिरफ्तार करने में थाना गोवर्धन पुलिस को सफलता मिली है। ये बेसिकली जो यहाँ पर साइबर अपराध करते थे उनको जो है पैसा निकालने की सुविधा प्रदान करता था, क्योंकि ये पहले भी जनसेवा जन सुविधा केंद्र चला रहा था। इसके पास से पुलिस को 9 POS मशीनें, 11 PTM के QR कोड, इसके अलावा 15 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड और HDFC बैंक की चेकबुक्स और कई खाते पुलिस को जो है प्राप्त हुए हैं इसके घर पर सर्च के दौरान। जब इसके खातों का पुलिस के द्वारा एनालिसिस करी गई तो इसके खाते से लगभग 4.5 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन पाया गया है। तो पुलिस उसको भी एनालाइज कर रही है कि पैसा कब कब आया और किन से आया, तो उसके अनुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो करेगी।